लेकिन भाई देखो, हम सब आए हैं। मैं ये कोई ये नहीं चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक अवे हो। ये सबसे बड़ा जो है इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है हमारी कौम के लिए। ऐसी मुश्किलातें शायद ही मेरे सीनियर हैं यहाँ वकील साहब, हम सब में सीनियर, मुझे नहीं लगता है किसी ने देखी होंगी मतलब पिछले सिंस 47 टफ टाइम्स। ऐसा लगता है जैसे गुस्से से कोई आ रहा है चार्जिंग, बट इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पीपल ऑफ जेएंड। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इससे भी अच्छा वक्त कोई नहीं मिला। जब मेन स्ट्रीम था 24 घंटे मीडिया से लेकर लोग गाली गाली गद्दार गद्दार, वो गद्दार खड़ा था, वो बचा रहा था इन सब चीज़ों को, जिसको आप गद्दार बोलते थे ना, वही एक शील्ड था। उस शील्ड को आपने बेइज्जत किया गालियां दे दे। जब तक आप अपनी मेन स्ट्रीम को इज्जत के साथ वापस नहीं लाओगे और उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो वो डिमांड करता है, दिस विल नेवर स्टॉप ना, टेक इट फ्रॉम मी, ये कभी अब स्टॉप नहीं करेगा। बिकॉज दे थिंक वी आर पावरलेस। जब तक लोग पावरफुल नहीं बनाए, मुझे ना बनाए, किसी और को बनाए, जम्मू वाले को बनाए, अरे कश्मीर को छोड़ दे, जम्मू के लोगों को बना ले, लेकिन अपने रीजन के लोगों को बनाए, तब तक आपको कोई नहीं, बाहर वाला यही करेगा। हम भी अगर बाहर जाएंगे यूपी में या दिल्ली में या हरियाणा में, हमारा क्या स्टेक होगा वहाँ? ये यू कॉन्ट इन्वेंट अ स्टेक। ये जो होता है जैसे हम इस स्टेट के हैं, ये एक नेचुरल बॉन्डिंग है, ये क्रिएट नहीं हो सकती है, इन्वेंट नहीं हो सकती है। सो बाहर से आ रहे हैं। जम्मू वालों ने कल वहाँ हड़ताल किया था, एक दुकान खुली नहीं, बट आई डिड नॉट सी एनी जो हमें देखना चाहिए था हुकूमत से, कोई एक वो पैशनेट अपील या कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। देयर इज एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग।